हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आई होप ऑल वेल। तो आज मैं, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, तो आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मारुति जिप्सी के ऊपर। कि आपने लास्ट देखा था कि उसके शैकल्स अपग्रेड कराए थे, लेकिन मैंने उसके बाद पेंट जॉब्स भी करवाई हैं। गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मारुति जिप्सी में मैंने कुछ अपग्रेडेशंस करवाई हैं, तो जो मैं आज आपको दिखाऊँगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कराया। एक तो इसका कलर चेंज करवाया, तो आप देख सकते हो कि पहले जिसने भी मेरा वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो शैकल्स वाला दिखाएं कि हमने 3 इंच शैकल डाल के इसको अपग्रेड कर गया। और उसके बाद हमने लॉन्गर्स भी इसके चेंज किए थे, शॉक्स जो हैं वो बड़े वाले डाले हैं। तो पीछे से गाड़ी काट के छोटी भी कर दी है। तो बेसिकली जो SJ समुराई आप देखो अगर जाके, कि जो दूसरी कंट्रीज में जिप्सी आती है, तो उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली यही होती है। तो उसके जो टायर्स हैं वो भी आगे होते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा काम किया है। ये मोहाली में है जीटर मोटर, मैंने वहाँ से करवाया था। तो पीछे IND नंबर प्लेट्स भी लगवा दिए हैं। तो बेसिकली जो भी मैं पार्ट्स डाल रहा हूँ गाड़ी में, और जो भी अभी तक ऑलमोस्ट सभी सेंसर सभी पार्ट्स चेंज हो चुके हैं, तो मैंने सभी ही मारुति MGP के डाले हैं। तो अभी आपको अंदर का व्यू दिखाता हूं मैं। तो आप देख सकते हो नया स्टेयरिंग, नया स्पीडोमीटर, डैशबोर्ड, ग्लव बॉक्स, सब कुछ हमने चेंज करके नया डाला है। तो ये साइड्स के भी डाल रखे हैं, और हुड मैंने इसको बहुत ही नॉर्मल लगाया हुआ है, जो बेसिक्स हैं। चार्जर वगैरह सभी कुछ हैं, और बड़े लोग पूछते हैं कि जिप्सी में, मैंने इसको कम्प्लीटली स्टॉक रखा है, जिप्सी में AC नहीं आता, और मैंने लगवाया भी नहीं, ना ही मैंने इसको पावर स्टीयरिंग कराया, बिकॉज मुझे स्टॉक गाड़ी चाहिए थी कि जैसे गाड़ी होती है एजेंसी से कैसे निकलती है। तो ये इसकी फ्रंट लुक है। तो मैंने इसको टायर्स जो है बेसिकली 80 डाल रखे हैं, तो जो स्टॉक रिम्स आते हैं वही हैं। तो अभी तो इसके ऊपर मेरा अलॉय व्हील्स डालने का दिल है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया है कि इसके ऊपर वो डालो ऑफ रोडिंग रिम्स, बट मेरा ऑफ रोडिंग रिम्स डालने का कोई मूड नहीं है। रीज़न यही है कि ऑफ रोडिंग रिम्स ज़्यादा हैवी होते हैं, और गाड़ी की एस्केलेशन में थोड़ी कम हो जाती है, और जो अलॉयज होते हैं वो एज कंपैरेटिवली बहुत ही हल्के होते हैं। तो हल्के होते हैं तो और थोड़ी लुक भी बढ़िया आती है, तो इसीलिए मैं वो डालना चाहूँगा। तो भाई साहब, मैंने सारे सेंसर्स नए डाले हैं इस गाड़ी के, कोई भी सेंसर इसमें पुराना ही नहीं है, वायरिंग भी सारी नहीं है, बैटरी एवरीथिंग चेंज्ड है, बस शेल और इंजन का काम करवाया है। और एक चीज़ मैंने जो आज ऑर्डर की थी वो इंस्टॉल करवाने में जा रहा हूँ, तो वो ये है कि इसका ना, जब पेंट जॉब हुई थी, जो ये इनलेट पाइप है ना टैंक की, अगर आप देख सको तो इसके ऊपर एक कवर होता है, वो इसका कवर बेसिकली कहीं मिसप्लेस हो गया। तो जब कवर मिसप्लेस हुआ तो मैंने बूडमू से ऑर्डर किया था, तो MGB का अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने के बाद मेरे पास आया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास आया है MGP का जी, मारुति सुजुकी, आप देख सकते हो पार्ट नंबर एवरीथिंग लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये बैच नंबर, ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली ये मेरे पास 1.5 महीने के बाद आया, मैंने ऑर्डर किया था। तो आज हम इसको इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं तरलोचन भाजी के पास, आ जाओ उनसे भी बातचीत करते हैं जिप्सी के बारे में। लोचन भाजी, इन्होंने जिप्सी पूरी रेडी की है जी, सारा मैकेनिकल काम, सस्पेंशन का,
इंजन का सभी इन्होंने किया। और बाबू जी ने मेरी बहुत हेल्प की थी पार्ट्स लाने में। राहुल जी आजकल ज्यादा ही बिजी चल रहे हैं। यो नाउ गाइज यू कैन सी कि हमारा वो जो पार्ट हमने मंगवाया था वो इंस्टॉल हो गया। सो ये हमारा कवर लग चुका है, इफ यू कैन सी प्रॉपर फिक्स्ड है। तो अब फ्यूल टैंक की जो पाइप है वो सेफ है। सो प्लीज़ आप बताना कि आपको मेरा ये जिप्सी का वीडियो कैसा लगा और आपने आपको मॉडिफिकेशन कैसी लगी, आप गाड़ी की लुक कैसे आ रही है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड बताते रहना कि आपको कैसा लगा। आपको और जब और चेंजेस करूँगा तो और वीडियो डालूँगा आपके लिए। एंड एनी सजेशंस यू कैन ऑल्सो लाइक माई इंस्टाग्राम पेज एंड कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग।